वेलकम बैक टू अजय पटेल रेसिपी। दोस्तों आज का जो मिठाई है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वीट है। अगर आप भी इस तरह का मिठाई बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो का देखें और घर पे बनाएं ज़रूर। ये बहुत ही काफ़ी टेस्टी होता है और इस पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम इसमें यूज कर रहे हैं 10 पीस काठ बादाम और 100 ग्राम चीनी। यहाँ पे हमने 150 ग्राम पनीर लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। हमने मिक्सर में इसको इस तरह से पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके। यहाँ पे हमने 1 से 1.5 चम्मच घी लिया है। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे घी गर्म हो गया है, अब जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे इसमें। आँच धीमा रखकर हम इसे थोड़ा देर भुनेंगे। इसी तरह धीमा आँच पे 2 से 3 मिनट तक हम भुनेंगे इसको। तो यहाँ से 3 मिनट के आसपास में हमने इसको भुना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच कोकोनट पाउडर। इसको हम थोड़ा देर और भुनेंगे अच्छे से। हमने 2 से 3 मिनट तक ने इसको भुना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो ये हो चुका है, हमने मिल्क पाउडर डालकर इसको 2-3 मिनट भुनेंगे। उसके बाद गैस बंद करने के बाद इसको ठंडा करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मिठाई है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिठाई का आकार देंगे। दोस्तों जो हमारा मिठाई था उसको हमने लड्डू का आकार दिया है। आप चाहे तो इसको बर्फी का भी आकार दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने लड्डू का आकार देने के बाद इसको नारियल पाउडर में थोड़ा सा लगाकर इस तरह से निकाला है ताकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा हो। तो ये था आज का हमारा रेसिपी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको कौन सा चीज़ का रेसिपी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।